किसी भी परियोजना को पुनर्जीवित करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब यही काम फिर से पुनर्जीवित होकर फिर से अपना काम करने लगे तो ये कोई किसी बड़े सपने से भी कम नहीं होता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीसीएल की एकमात्र भूमिगत खदान चूरी परियोजना की। सीसीएल में तो वैसे पिछले कई वर्षों से भूमिगत खदानें जो चल रही थी उन्हें लगातार बंद किया जाने लगा, क्योंकि भूमिगत खदान से कोयला निकालने में कंपनी को काफी नुकसान हो रहा था। लेकिन अंततः सीसीएल की एकमात्र चूरी परियोजना को ही सीसीएल ने फिर से पुनर्जीवित करने के लिए सोचा और यहाँ पर कंटिन्यूअस माइनर मशीन लगाकर कोयले के उत्पादन की शुरुआत की है। हालांकि इस काम में करीब 10 वर्ष लग गए, लेकिन अब यही परियोजना फिर से लगातार कोयले का उत्पादन कर रहा है और आज कोयले का बेहतर उत्पादन कर कहीं ना कहीं सीसीएल में अपना बेहतर स्थान प्राप्त कर चुका है। इसके लिए यहाँ के क्षेत्रीय प्रबंधक और स्थानीय परियोजना के पदाधिकारी और मैनेजर सहित सभी कामगारों की अहम भूमिका मानी जा रही है। आइए देखते हैं चूरी परियोजना पर हमारी खास रिपोर्ट। चूरी भूमिगत खदान एक ऐसा नाम जो अब कोल इंडिया स्तर तक अपनी पहचान बना चुका है। सीसीएल की यह पहली खदान है जो पूरी तरह से मैकनाइज है और बेहतर कोयले का उत्पादन कर रही है। कोल इंडिया में पहले सैकड़ों भूमिगत खदानें थीं, सीसीएल के पास भी दर्जनों भूमिगत खदानें थीं, लेकिन खर्च अधिक होने और कोयले के उत्पादन में कमी को देखते हुए कई खदानों को बंद कर दिया गया। यही हाल चूरी परियोजना का भी था, लेकिन कंपनी ने इसे फिर से पुनर्जीवित करने का सोचा और करोड़ों की लागत से कंटिन्यूअस माइनर मशीन लगाकर कोयले का उत्पादन शुरू किया। साल 2019 इस परियोजना के लिए संजीवनी साबित हुआ और इनके महाप्रबंधक एम के राव के प्रयास से खदान फिर से उत्पादन की राह पर दौड़ पड़ा। 5 जुलाई को कंपनी के सीएमडी गोपाल सिंह डकराए थे। इस दौरान महाप्रबंधक एम के राव ने उन्होंने मन से चूरी परियोजना की उत्पादन कार्य को उन्हें बताया था। चूरी भूमिगत खदान जो आज सीसीएल का एक प्रतिष्ठित खदान का रूप लिया, सर का मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से हम लोग 24 मार्च जिसको हमने महाकोल दिवस का रूप में डिक्लेयर किया, उस दिन से हम कंटिन्यूअस मैनर से उत्पादन करना शुरू किया है। आज हमारा सौभाग्य की बात है सर, आज चूरी खदान से 1 लाख टन पूरा प्रोडक्शन किया सर आज तक जब से चालू किया, और हमें हर्ष होता है जून का आखिरी रविवार जो 30 जून को हमने भूमिगत खदान के लिए कोल्ड डे सुरक्षित कोल्ड डे रखा गया, उस दिन एक दिन और एक माह का भी सर रिकॉर्ड तोड़ा गया चूरी से। उस दिन 2016 टन एक प्रोडक्शन हुआ सर, और महीना का 37,216 टन का प्रोडक्शन हुआ सर। आपका जो सपना है उस खदान को विश्वस्तरीय नहीं सर, हम स्मार्ट माइन बनाएंगे सर, और उस दिशा में काम चल रहा है सर। और आप सभी को जानकारी देना इस मन से, मैं समझता हूँ कि दिसंबर में उसका निरीक्षण होगा सर का, वीआईपी या कोई आएंगे सर भी, हमको सफिशिएंट टाइम मिला, उस दिशा में सबको काम करने की जरूरत है। वहाँ एक पिट हेड बात का कल्पना है जो कि माइंस का एक्ट के अंतर्गत जहाँ मैकेनाइज्ड माइन होता है उसका ऑलरेडी टेंडर हो चुका है, और कामगार के लिए विश्राम करने के लिए वहाँ पार्क का भी योजना है। हम लोग सर आप जितना समय दिया उसमें हम लोग सर पूरा काम धरातल में उतार के दिखाएंगे सर। चूरी परियोजना से अभी लगातार कोयले का उत्पादन हो रहा है। परियोजना की पूरी टीम और जॉय माइनिंग के कामगार पूरी सक्रियता के साथ इस कार्य में लगे रहते हैं। कभी सालाना 30,000 टन कोयले का उत्पादन करने वाला यह परियोजना इस वर्ष में 3 लाख टन कोयले के उत्पादन लक्ष्य को हासिल करेगा। इस संबंध में हमने बात की परियोजना के खान प्रबंधक से और जाना कितना बदला है यहाँ पर काम करने का तरीका। तो कितना बदलाव हुआ है चूरी खदान में पहले की अपेक्षा?
चूरी कुलेरी आज के डेट में CCL का एक बहुत ही प्रतिष्ठित और अग्रणी अंडरग्राउंड कुलेरी में आके खड़ा हुआ है। इस कुलेरी में आज से दो साल पहले या और अगर हम पीछे जाएं तो प्रोडक्शन 30,000 टन 40,000 टन साल में होता था, जबकि अभी महीना में प्रोडक्शन 30,000 32,000 35,000 होने लगा है। और इस फाइनेंशियल ईयर में 2019-20 में अभी तक हम लोग 1,00,000 टन पार कर चुके हैं। एक समय था कि चूरी में कन्वेंशनल माइनिंग टेक्नोलॉजी था, जिसको इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी बोलते हैं, LHD था, HDL था, और उसके साथ चेन कन्वेयर बेल्ट कन्वेयर से जाकर प्रोडक्शन हुआ करता था। साथ में मैनुअल सेक्शन भी था, कुछ मैनुअल लोडर्स थे यहाँ पर जो बास्केट से झोड़ा बेलचा से लोडिंग करते थे। आज एकदम सीनारियो चेंज हो गया है, यहाँ कंटिन्यूस माइनर आ गया है, साथ में दो दो बैटरी हॉलर आए हैं, सपोर्ट के लिए फ्लेचर कंपनी का 2 ट्विन बोल्टर आए हैं, जिससे एक होल मारने में 1 मिनट 1.5 मिनट का समय लगता है। 2.4 मीटर का लंबा रूप बोल्ट के लिए होल मारा जाता है, और बेल्ट कन्वेयर सिस्टम पहले से ही इस माइन में है, अभी उसको रिप्लेस करके और मजबूत किया गया है। चूरी बहुत बड़ी खदान है, बहुत लंबी खदान है, 86 पिलर तक चला हुआ है मेन डीप में, और सेक्शन में अगर देखें तो 92 पिलर डीप तक चला हुआ है। चूँकि 92 लेवल चला हुआ है तो और 30 मीटर का पिलर है तो माइन काफ़ी लंबी है। इतने बड़े माइन को हवा देने के लिए वेंटिलेट, जिसको हम लोग वेंटिलेशन बोलते हैं माइनिंग की भाषा में, वेंटिलेशन के लिए पहले काफ़ी सारे परेशानियां थी, हवा नहीं मिलता था। ये हम लोग के सामने, चूरी की टीम के सामने एक चैलेंज था, क्योंकि अगर हम वेंटिलेशन अच्छा नहीं करते तो DGMA से हमको रीडेवलपमेंट का और डीप्लेन का परमिशन नहीं मिलता। इसके लिए हमारे एरिया के मैनेजमेंट, हमारे हेडक्वार्टर का मैनेजमेंट ने भी चूरी को काफ़ी हेल्प किया। हेडक्वार्टर से हमें 2 नया पंखा मिले, PV200 का इक्विवेलेंट माया में का फ़ैन जो हम लोग ने इंस्टॉल किया पुराना पंखा को चेंज करके, और 56 नंबर ऑफ वेंटिलेशन स्टॉपिंग हम लोग बनवाए, रिपेयर किए और करके हम लोग का अभी हम लोग सेक्शन में 2200 से 2300 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट का हवा पहुंचा रहे हैं, जो कि इस माइन को देखते हुए, जिस माइन में हवा का डिस्टेंस करीब 8 से 8.5 किलोमीटर है, मतलब हवा यहाँ से घुस के पंखा से निकलने में 8 किलोमीटर का दूरी तय करती है, यहाँ हम लोग LVC में 2200 से 2250 हवा ले गए हैं। पिछले कुछ दिन पहले हमारे डायरेक्टर माइन सेफ्टी साहब की भी विजिट हुआ था, उन्होंने भी इसमें अपना ये जताएं कि नहीं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, हालांकि और इम्प्रूवमेंट की जगह है और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत भी है। और हम लोग सदैव हमारे टीम इसमें लगे हुए हैं, हम लोग वेंटिलेशन को और दुरुस्त कर रहे हैं। और प्रोडक्शन हम लोग का रांची का चूरी का जो अभी तक का प्रोडक्शन रहा है, एक महीना का ऑल टाइम हाई, वो 1983-84 में 26,000 टन हुआ था, जिसको पिछले साल जून 2019 में हम लोग पार कर गए हैं। पिछले साल हम लोग 37,000 टन प्रोडक्शन किए हैं, जो अभी तक का रिकॉर्ड है, और उम्मीद करते हैं कि चूरी का जो ऑल टाइम हाई 2,46,000 टन हुआ था उसी 1983-84 में, उसको भी हम लोग इस साल पार करेंगे। इस साल हम लोग को अपना कंपनी से 3,00,000 का टारगेट मिला हुआ है, और हम लोग इस उस पथ पे अग्रसर हैं कि उस 3,00,000 को हम लोग 12 महीना नहीं 9 महीना में ही पूरा कर ले, और बाकी 3 महीना में हम लोग और 1,00,000 प्रोडक्शन करके इस साल हम लोग 4,00,000 प्रोडक्शन करें। यहाँ के लोकल कामगार साथियों, यहाँ के ट्रेड यूनियन के जितने मेंबर्स हैं, तो उनसे, यहाँ के लोकल ग्रामीण सबसे हम लोग को सहयोग मिल रहा है। चूरी में आया प्रॉब्लम काफ़ी कम है, जिसके चलते हम लोग बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं। बिजली की कुछ दिन पहले समस्याएं थी, वो भी हमारा एरिया मैनेजमेंट और हेडक्वार्टर मैनेजमेंट की सहायता से, उन लोग के हेल्प से हम लोग को दूसरे एरिया से बड़ा ट्रांसफार्मर मिला, हम लोग उसको चार्ज भी किए सेम डे, जिस दिन हम लोग को मिला उसका नेक्स्ट डे हम लोग उसको चार्ज कर दिए 5 MVA। अभी हमारे पास ना वोल्टेज का भी प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए हमारा मशीन अन इंडायरेक्ट चल रहा है, जो पहले हम लोग को शाम को थोड़ा परेशानी होती थी, अब वो परेशानी भी नहीं है। नया टेक्नोलॉजी है, हमारे आदमी को समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जॉय माइनिंग हमारे यहाँ काम कर रहा है,
जॉय माइनिंग के पास काफ़ी एक्सपर्टाइज हैं, उन लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे आदमी नया टेक्नोलॉजी को एकदम से स्वीकार करते हुए नए टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि चूरी CCL का तो एक अग्रणी खदान स्थापित हो चुकी है, ये CIL में भी अपना नाम करेगा। एक CM से हाइस्ट प्रोडक्शन करने का हम लोग कोशिश करेंगे। पिछले दिनों एक मई को जो मजदूर दिवस था, जो श्रम दिवस मनाया गया था, उसमें CMD साहब ने मुझसे कहा है और ट्रॉफी देते वक्त कि इसको तुम कोल इंडिया का एक बढ़िया खदान के रूप में विकसित करो, जिसमें हम और हमारे आदरणीय GM साहब पूरा लगे हुए हैं। और अभी चूरी बाहर से भी कोई भी देख सकता है कि पहले चूरी क्या था और अभी चूरी में कितना डेवलपमेंट हुआ है। नए बिल्डिंग्स बने हैं, ऑफिस का बने हैं, हमारा नया AC कैंटीन बना है, रेस्ट हाउस, कॉन्फ्रेंस हॉल, मतलब एक हम लोग वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का इसको बनाने जा रहे हैं। नए काफ़ी सारे रोड्स अंदर बन गए हैं, जो तो पहले कच्ची रोड थी, PCC हो गए हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हम लोग BTED बाद बनाने जा रहे हैं, जिसका काफ़ी हद तक मतलब काफ़ी एडवांस स्टेज में वो उसका पेपर है, टेंडर वगैरह हो चुका है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसी फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर के दिसंबर 2019 तक हम लोग उस BTED बात को भी कंप्लीट कर लेंगे और बड़ी अच्छी तरह से हम लोग इस टूरी को लेकर चलाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ के सभी अधिकारी, सभी कर्मचारियों, सभी ट्रेड यूनियन के मेंबर्स और ट्रेड यूनियन के सभी नेताओं, यहाँ के ग्रामीणों, लोकल हो, प्रेस, मीडिया, यहाँ जितने भी लोग हैं, सबको मैं चूरी परियोजना की ओर से धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। जिस तरह से चूरी परियोजना से लगातार कोयले का उत्पादन हो रहा है और उत्पादन के कार्य में और सुधार के कार्य किए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर आने वाला दिन में यह खदान CCL ही नहीं बल्कि पूरे कोल इंडिया का सिरमौर साबित होगा। मैग्निफिसेंट न्यूज के लिए अनिल कुमार पांडे की रिपोर्ट।